शनिवार को चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर 2019 को करवाए जाएंगे, जिसके लिए चुनाव अधिसूचना 27 सितंबर को जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी जो 4 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसके बाद 5 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर होगी। चुनाव परिणाम 24 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। निष्पक्ष, पारदर्शी व सुनियोजित ढंग से लोकतंत्र में चुनाव संपन्न करवाना चुनाव आयोग का कर्तव्य है और इसी के चलते राजनीतिक पार्टियों व चुनाव आयोग के बीच हुई सहमति से आदर्श चुनाव आचार संहिता तैयार की गई है। आदर्श चुनाव आचार संहिता चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, राजनीतिक पार्टियों, सत्तासीन दल, सरकार, सरकारी सत्ता अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था देता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा 28 लाख निर्धारित की गई है और उम्मीदवारों को अलग अलग से अपने बैंक खाते खुलवाने होंगे और चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आयोग के पास देना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोट बनवाने के लिए ऑनलाइन www.nvsp.in पर भी आवेदन किया जा सकता है और अधिक जानकारी के लिए आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नए वोट बनवाने का कार्य नामांकन प्रक्रिया खत्म होने से 10 दिन पहले 24 सितंबर तक बनवाए जा सकते हैं। प्रदेश में लगभग 1,83,00,000 मतदाता विधानसभा चुनाव में मतदान में भाग ले सकेंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधानसभा चुनाव हो रहे राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी सूचित किया है कि इस वर्ष आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ नैतिक ढंग से चुनाव करवाने की भी नई शुरुआत की है। इसके लिए हम सभी को और अधिक निष्ठा से अपनी चुनाव ड्यूटी का निर्वहन करना होगा। उन्होंने बताया कि 90 विधानसभाओं के लिए सभी जिलों में 90 रिटर्निंग अधिकारी और 2-2 सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा चुनाव पर्यवेक्षक, सामान्य पर्यवेक्षक तथा पुलिस पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति की गई है जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई प्रकार की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर नाके लगाए जाएंगे और वहीं से मोबाइल वीडियोग्राफी और लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी। चुनाव पर्यवेक्षक के सहयोग के लिए केंद्रीय आयकर, डाक, रेलवे इत्यादि विभागों से 24 नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 1800-1804-815 जारी किया गया है जिस पर शिकायतें दी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग के अधिनियम के अनुसार 10 लाख से अधिक की नकद राशि की निकासी अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते से करता है तो उसका ब्यौरा अपने साथ रखना होगा। इसके अलावा 50,000 से अधिक नकद अपने साथ ले जाने पर भी उसका ब्यौरा अपने साथ रखना होगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन व चुनाव प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद रहेंगे और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तिथि घोषित करने के बाद आगामी 72 घंटे हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर सभी सरकारी कार्यालयों से राजनीतिक पार्टियों से संबंधित फोटो, बैनर इत्यादि हटाने का कार्य किया जाएगा। उसके अगले 24 घंटों में सार्वजनिक स्थानों पर से तथा उसके बाद के 24 घंटे निजी संपत्तियों से ऐसी सामग्री हटवाने पर फोकस रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई भी मंत्री चुनाव के कार्य के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेगा। उसके लिए केवल उसके निवास से आवश्यक सरकारी कार्य करने के लिए अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि आयोग का सी विजल ऐप जल्द ही आरंभ हो जाएगा। कोई भी नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित सूचना की जानकारी आयोग के पास भेज सकता है। उन्होंने बताया कि आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर विज्ञापन देने के लिए जिला स्तर व राज्य स्तर पर बनाई गई मीडिया निगरानी एवं प्रमाणन समिति से प्रमाण पत्र लेना होगा। जिला स्तर व राज्य स्तर पर गठित मीडिया निगरानी एवं प्रमाणन समिति के पास पेड न्यूज़ की शिकायत की जा सकती है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।